माता रानी की मूर्ति। मेरे को पता नहीं था यहाँ पे भी बनाया गया सेक्टर 5 में जो ना इस बार 3 जगह दुर्गा माता बैठी हुई। क्या कौन है ये? पेरिस। क्या है? क्या पेरिस? पेरिस बहुत ज्यादा प्यारा है गाइस पंडाल। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका आकाश और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है कुछ ऐसी लोकेशन है से, और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। और ये चेक करो हमारे साथ कौन है। हंजी कैसे हो? बढ़िया हूं। आज हम कहाँ जाने वाले? आज हम जाने वाले माता जी के दर्शन करने। हाँ तो गाइस ये है हमारी फ्रेंड तारुषी और आज हम दोनों जाने वाले हैं माता रानी के दर्शन करने। और ये वाला जो व्लॉग है ना गाइस रैंडमली स्टार्ट हो, अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि यहाँ जाना है व्लॉग शूट करना है। तो पहले चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और सारा कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम जो है निकल चुके हैं और ये चेक करो यहाँ का डेकोरेशन जो कि मैंने कल वाले व्लॉग में भी दिखाया था। और यहाँ चलना है? आगे से होते आएंगे। चलो ठीक है। सो गाइस अभी जो है ना हम चल रहे हैं आगे आगे से होते हुए, मतलब आगे शूट करके आते हैं फिर यहाँ की भी आप माता रानी का दर्शन करवाने वाले हैं। सो गाइस अभी जो है ना हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लाल मैदान। लाल मैदान कहाँ जा रहे हैं? लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता बट वहाँ का मैंने सुना है कि डेकोरेशन बहुत अच्छा है, तो हम उधर जाएंगे। तो लोकेशन पता नहीं तो जाएंगे कैसे? गूगल मैप करके जाना पड़ेगा गाइस। और ये जो है ना अभी हम हैं पावर हाउस वाले ब्रिज में और ये जो लाल मैदान है पावर हाउस में ही है मे भी मेरे को मालूम होगा। और यहाँ पे तो पंडाल वगैरह दिख ही जाएगा तो देखते हैं पहले। और ये देखो गाइस ये दोस्ती मिल गया मैंने खो गया। अच्छा ये देखो यही है हमारा पंडाल जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं और बहुत प्यारा डेकोरेशन दिख रहा है गाइस ब्रिज के ऊपर से। और अभी चलते हैं पंडाल के अंदर और आप लोगों को माता रानी के भी दर्शन करवाएंगे। और भाई यहाँ पे ट्रैफिक इतना है और धूल इतना ज़्यादा उड़ रहा है ना। एंड गाइस ये चेक करो हम आ चुके हैं लाल मैदान और यहाँ का भाई पंडाल चेक करो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अभी जो है ना सामने चलते हैं और आपको सामने से दिखाते हैं। और गाइस ये पंडाल सामने से देखो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पता नहीं आपको वीडियो में समझ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। पहले टिकट कटवाते हैं और अंदर चलते हैं। इधर आओ एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस देख रहे हो यहाँ पे ना छोटा सा होल है जिसमें हम माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। इधर ये देखो यहाँ पे छोटा सा होल है जिसमें हम माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। दिखाते हैं अभी आपको जय माता रानी। देख रहे हो गाइस बहुत ज्यादा प्यारा है गाइस पंडाल। अभी जो है ना यहाँ का अंदर का टिकट कटवाते हैं और यहाँ पे जो है ना क्राउड भी बहुत ज्यादा है। आज जो है ना सेकंड डे इसलिए उतना ज्यादा क्राउड नहीं। फिफ्थ सिक्स्थ जो डे होता है ना उसमें गरबा वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है तो वो सारा कुछ भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो और देखो भाई ये अपना भाई है और हमें जो है ना एक पास में ये जो है ना दो लोग को भेज रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। देख रहे हो गाइस प्यार हमारे प्रति कैसा लगा? ये लोग एक पास में दो लोग ऐसा कभी आए हो? हाँ। और यहाँ का डेकोरेशन कैसा लग रहा है? और गाइस ये हाँ बोलो मैं बीच में बोलने लग गया था। ये चेक करो ये जो है ना पूरा फोम का बना हुआ है। और गाइस इस होल से जो है ना हम माता रानी का दर्शन कर सकते हैं जो कि मतलब अंदर नहीं जाना चाहता मतलब टिकट वगैरह नहीं लेना चाहता उसके लिए है कि आप दर्शन कर सकते हैं। और अभी हम अंदर जा रहे हैं। देख रहे हो गाइस आ जाओ आगे। बहुत प्यारा डेकोरेशन है यहाँ का देख रहे हो।
पता नहीं आप लोगों को कैमरे में अच्छे से विजिबल हो रहा होगा या फिर नहीं, रियल लाइफ में इसको देख के ना। और ये चेक करो ऊपर देख रहे हो क्या, कौन है ये? पेरिस। क्या है, क्या है? पेरिस। पेरिस। ओ, और ये कौन है? माता रानी की मूर्ति। जय माता रानी। गाइस फॉलोअर्स से जाके सारे कमेंट कर दो जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। सभी दर्शनार्थी माता रानी का दर्शन करके आगे बढ़ते जाए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा डेकोरेशन किया गया है गाइस। और ये देख रहे हो बदक, ये क्या है? हॉर्स है ये, हॉर्स, वाइट हॉर्स। बहुत प्यारा पंडाल है और बहुत प्यारा डेकोरेशन है यहाँ का, और माता रानी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है यहाँ की। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे अभी? सेक्टर जाएंगे। चलो अभी हम जाएंगे सेक्टर और देखते हैं सेक्टर में कौन सी माता रानी के पंडाल में जाएंगे। मे बी सेक्टर 5 चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ना बहुत प्यारा डेकोरेशन हुआ रहता है और माता रानी बैठते हैं। इस बार का क्या थीम है वहाँ का मेरे को आइडिया तो है नहीं, तो चलते हैं। सो गाइस हम जो है सेक्टर आ चुके हैं, वहाँ शूट हो चुका है सेक्टर 1 वाला है, वो वीडियो नहीं देखे हो क्या? अब क्या ही बोले, छोड़ो, क्या बोलते हैं गुफा वाला कुछ, तो वहाँ चले गया। अभी अब सेक्टर 5 ही जाएंगे। सेक्टर 5 ही जाना है? हाँ। चलो चलो सेक्टर 5 चलते हैं। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है, और ये वाला जो है मेरे को पता नहीं था यहाँ पे भी बनाया गया सेक्टर 5 में, जो ना इस बार 3 जगह दुर्गा माता बैठी हुई है। यहाँ भी बहुत प्यारा यहाँ का पंडाल है, चेक करो गाइस यहाँ का पंडाल कितना ज्यादा प्यारा है, देख रहे हो? बहुत ही ज्यादा प्यारा डेकोरेशन है गाइस यहाँ के। माता रानी को देखो, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है हमारी माता रानी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं एक और माता रानी के पंडाल में, और यहाँ डेकोरेशन चेक करो, माता रानी छोटी सी, पंडाल छोटा सा, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और देख रहे हो जयकारा, शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। देख रहे हो गाइस माता रानी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है छोटे रूप में, मतलब माता रानी की मूर्ति जो है ना छोटी सी है, और डेकोरेशन भी ऐसा है, बहुत ही प्यारी लग रही है माता रानी। देख रहे हो तो असली का शेर लग रहा है भाई। गरबा वगैरह भी होता है, और यहाँ पे गरबा हो रहा है, देख अभी आपको गरबा दिखाते हैं। मतलब गरबा ग्राउंड में उतना ज्यादा क्राउड तो है नहीं, ये देख रहे हो गाइस। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और गाड़ी कहाँ है? अच्छा, और गाइस आज है सेकंड डे, इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है। पांचवे छठवे दिन यहाँ पे ना इतना ज्यादा क्राउड होने वाला है ना। एंड गाइस अभी आ चुके हैं हम दूसरे माता रानी के पंडाल में, और यहाँ का देखो इसको डेकोरेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे, मतलब अभी चलते हैं अंदर और माता रानी को दिखाते हैं आपको। और अंदर में भी गाइस स्क्रीन लगा हुआ है। ओ भाई
देख रहे हो गाइस, माता रानी बहुत ज्यादा प्यारी लग रहे हैं, देख रहे हो। सो गाइस, अभी जो है ना हम निकल चुके हैं माता रानी के पंडाल से। हमसे जितना हो सका उतनी माता रानी को आज हमने कवर कर दिया है, और अभी बच गए हैं रात के 10:30। तो अभी हमें जाना पड़ेगा घर, है ना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी और नए मस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।